यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर में कोविड 19 वैश्विक महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए जिला प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है, जिसके चलते डीएम सिल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव लगातार दिन रात शहर के साथ साथ पूरे जनपद में भ्रमण पर निकलते हैं और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनना अनिवार्य आदि का संदेश देते हैं। इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश ने आबकारी विभाग की टीम के साथ शहर में विभिन्न शराब के सरकारी ठेकों का निरीक्षण किया। उन्होंने शराब के ठेकों पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सबसे पहले महावीर चौक स्थित मॉडल शॉप पर निरीक्षण किया, जहां उन्हें लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मिले। साथ ही जहां उन्हें नियमों का पालन होता दिखाई नहीं दिया, वहां उन्होंने लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर जागरूक किया। को खोलने के लिए आदेश हो गए थे, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को इंटैक्ट रखने के लिए ये पूर्व में भी आदेश है, तो हम लोगों ने ये एक अभियान चलाया है कि लोगों को फिर से जागरूक करें कि कोविड अपनी उस स्थिति में है कि हम लोग खुद दुकानों से जो खरीदार हैं या दुकानदार भी हैं उनको ये बता दें कि एक सोशल दूरी है वो बना के रखें। उससे उनके लिए तो ये है ही है कि वो एक से इन्फेक्शन से रहेंगे, लेकिन वो उनके अंदर जो जहन में है कि वो एक तो रिफ्रेश हो जाए कि अपने घर पर भी जाके बाहर भी इस जो इन्फेक्शन है इससे थोड़ा सा वो जागरूक भी हो जाए। और दूसरा ये भी है कि कहीं कहीं दुकानों पे ये है कि जो उनके डिमांड के ब्रांड है उपलब्ध नहीं है, तो वो इस तरह से हम वो भी देख लेंगे और उनके ज़रूरत के ब्रांड को भी ऑर्डर करा के उपलब्ध कराएंगे। मुख्य रूप से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कराने के लिए हम पूरे शहर में